हेलो स्टूडेंट्स, एएसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं पीडीएफ लेकर आ गई हूँ आपके त्रैमासिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो गणित संकाय वाले जो छात्र हैं उनका जो पाठ्यक्रम है वो सारे विषय का जो 5 विषय हैं उनका क्या क्या त्रैमासिक परीक्षा के लिए होने वाला है। अब बहुत ही कम दिन बचे हैं तो आप पाठ्यक्रम के अनुसार क्रमशः सारे विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में आपका जो सिलेबस है तो वो आपकी कुल टोटल यहाँ पे 6 यूनिट आने वाली है। पहला है मापन एवं मात्रक, दूसरा है सरल रेखा में गति, तीसरा है समतल में गति, चौथा है गति की नियम और पांचवा है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन और अंतिम जो है वो है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके 6 यूनिट के साथ भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो ख़त्म होता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे हम रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान में आपको अध्याय जो 1 है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा पूछा जाएगा। उसके बाद 1 के अंदर ये जो पॉइंट है वो दिए हुए हैं। उसके बाद दूसरा जो अध्याय है वो है परमाणु की संरचना, तीसरा है तत्वों का वर्गीकरण, चौथा है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, पाँचवा है यहाँ पर कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत सिद्धांत। ये जो है ये अलग यूनिट इन्होंने उठाई है यहाँ पे, यूनिट नंबर 8। और फिर जो छठवां है वो है यूनिट नंबर 6, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यूनिट नंबर जो 6 है वो कौन सी है, साम्यावस्था। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 से लेके 4 तक जो है वो लगातार यूनिट है, उसके बाद है 5 और 6। तो यहाँ आपका रसायन विज्ञान का भी सिलेबस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि गणित, तो गणित में आपको यहाँ पर कुल 7 अध्याय आने वाले हैं आपके त्रैमासिक में। पहला है समुच्चय, दूसरा है संबंध एवं फलन, तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन, चौथा है द्विघात समीकरण, पांचवा है रैखिक असमीकाएं, छठवां है क्रमशः और संचय और सातवां है द्विपद प्रमेय। तो ये भी आप देखेंगे तो ये लगातार 7 यहाँ पे अध्याय आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनका यहाँ पे सिलेबस ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में हॉर्नबिल जो आपकी बुक है उससे आपको प्रोज यानी कि गद्य में क्या क्या कौन कौन सा लेसन पूछा जाएगा। लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके बाद लेसन नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, उसके बाद तीसरा है लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद हम पोएट्री पे आ जाते हैं। तो पोएट्री में पहला है अ फोटोग्राफ, दूसरा है द लेबनम टॉप, तीसरा है द वॉइस ऑफ द रेन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्नैपशॉट से क्या आएगा। तो स्नैपशॉट से लगातार आपके 4 लेसन आने वाले हैं। लेसन नंबर 1 है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, लेसन नंबर 2 है द एड्रेस, लेसन नंबर 3 है मदर्स डे, लेसन नंबर 4 है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रीडिंग वाला जो पोर्शन है उससे नोट मेकिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो नोट मेकिंग जो है वो अनसीन पैसेज के अंदर आता है, तो आपसे इस वाले रीडिंग वाले सेक्शन से अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। फिर जो ग्रामर है, ग्रामर में आपको टेंस, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स और ये इसकी क्लासेस अभी कल से ही शुरू होने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में सारे वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, क्योंकि मैं आपको ग्रामर की क्लासेस भी स्टार्ट करवाने वाली हूँ। प्रीपोजिशन, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, मॉडल्स, ये सब आपका ग्रामर में आने वाला है और ये जैसा कि मैंने बताया कि क्लासेस में इसको कवर करवाया जाएगा। फिर राइटिंग सेक्शन में हम देखेंगे तो पोस्टर मेकिंग, फॉर्मल लेटर, नोटिस राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब आपको राइटिंग सेक्शन में पूछा जाने वाला है। उसके बाद फिर हम आपके हिंदी सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहली आपकी किताब है आरोह, तो आरोह भाग 1 से आपका यहाँ पे क्या पूछा जाएगा,
काव्य खंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। तो ये आपका ग्रामर से हो जाएगा कि पद्य साहित्य का इतिहास और प्रवृत्तियाँ पूछा जाएगा। और अभी मैंने पद्य साहित्य का इतिहास से रिलेटेड कुछ वीडियोस जो ट्रिक वाले हैं वो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहला पार्ट है कबीर हम तो एक एक करी जाना, दूसरा है मीठा मेरे तो गिरिधर गोपाल, और तीसरा है घर की याद। ये तीन चैप्टर यहाँ आपसे इनने उठाए हैं। उसके बाद फिर हम दूसरी बुक में देखेंगे वेतान भाग एक में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, दूसरा है राजस्थान की रजत बूंदे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे भाव पल्लवन से देखेंगे, भाव पल्लवन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस परिचय, छंद परिचय एवं प्रकार, ये आपका सब कुछ ग्रामर के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद फिर गद्य खंड में गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम एवं प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं। देखिए गद्य साहित्य का जो इतिहास का विकास क्रम है उसकी मैंने इतनी अच्छी ट्रिक का वीडियो अपलोड किया, यदि आपने नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना है। फिर उसके बाद कहानी संस्मरण, व्यंग्यात्मक निबंध, एकांकी, ये आपकी गद्य की विधाएं पूछी जा सकती हैं इनमें से प्रश्न। लेखक परिचय और कवि परिचय भी आपका पूछा जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पाठों की बात कर ले तो नमक का दरोगा, मियाँ नसीरुद्दीन, उसके बाद अप्पू के साथ ढाई साल, विदाई संभाषण और गलता लोहा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट यहाँ पे देखेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम में जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम और साथ में डायरी लिखने की कला, ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो व्याकरण है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, पद्यांश, काव्य के भेद, अलंकार, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो त्रैमासिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो समाप्त होता है। तो यहाँ पे मैंने जो गणित संकाय वाले जो विद्यार्थी हैं उनका जो पाठ्यक्रम है त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। और साथ में एएस की क्लासेस पे आपके अब सारे सब्जेक्ट की क्लासेस धीरे धीरे कंटिन्यू की जाएंगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।